हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय चार को। तो लेखा शास्त्र के अध्याय चार के 4.7 नकल बही में योग लगाना तथा आगे ले जाना को बताने वाला हूँ। तो नकल बही में योग लगाना तथा आगे ले जाना क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है ना, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बातें हैं उसको मैं आपको यहाँ पे जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है इस चार्ट के माध्यम से बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चार्ट को जान लेते हैं, चार्ट के बाद मैं आगे ले जाना और योग लगाना को बताऊंगा। तो देखो जो चार्ट है इसमें एक जो टॉपिक है वो है डेट का, है ना, दिनांक डेट का है। यहाँ पे पूरा का पूरा अंग्रेजी में, आपको हिंदी में भी बताते चलूँगा। तो ये डेट का है, यहाँ पे देखो पार्टिकुलर्स दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, विवरण है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विवरण कहते हैं। यहाँ पे LF दिया हुआ है, मतलब खाता पृष्ठ क्रमांक, है ना, खाता पृष्ठ क्रमांक हो गया। इसका उपयोग हम बहुत कम करते हैं, ये सिर्फ कोरा ही चला जाता है। इसके बाद एक होता है डेबिट होता है और एक होता है क्रेडिट अमाउंट होता है, एक डेबिट अमाउंट एक क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जब भी डेट को लिखा जाता है तो सबसे पहले आपको सन लिखना है, उसके बाद महीना लिखना है, उसके बाद तारीख को लिखना है। तो 2006 जनवरी 1, इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना होता है, ठीक है। ये डेट की बात है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये जो डेबिट है और क्रेडिट है ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डेबिट लिखेंगे, है ना। डेबिट को ऊपर में लिखना है और क्रेडिट को नीचे में लिखना है। नकल बही वाले टॉपिक को मैं आपको स्पष्टीकरण करते हुए बता देता हूँ कि जब भी नकल बही आप बनाओगे तो सबसे पहले अमाउंट जो है वो डेबिट का रहेगा, उसके बाद क्रेडिट का। इससे पहले वाले अध्याय में क्या होता था, पहले क्रेडिट को लिखते थे। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो पैसा या तो आप लोन से लेके आओगे या फिर आपके खाते में है वहाँ से लाओगे, है ना, कहीं से उधार मांग के लाओगे या फिर आपके खाते से निकालोगे। तो आपके पास क्या है, पैसा जो है वो क्रेडिट के रूप में है। क्रेडिट जैसे बैंक खाते में रहता है ना, तो जैसे आप पैसा जमा करते जाओगे तो आपका क्रेडिट अकाउंट बढ़ते जाता है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा बढ़ते जाएगा। तो ये उसी प्रकार से, और जैसे आप डेबिट करते हो, है ना, तो आपके अकाउंट से क्या होता है, पैसा निकल जाता है, मतलब आपको हानि होने लगता है क्योंकि आप उस पैसे का कहीं ना कहीं उपयोग करोगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ना डेबिट लिखना पड़ेगा, डेबिट लिखने के बाद आपको फिर क्रेडिट को बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपने जो पैसा लिया है बिजनेस करने के लिए उनका उपयोग आप कर रहे हो, तो कितने का उपयोग कर रहे हैं पहले ये बताओगे, और उसके बाद उस पैसे को कहाँ से लाए हो उसको बताओगे, तो वो क्या होगा, क्रेडिट अकाउंट होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण के रूप में बता देता हूँ, है ना, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि पहले आपको क्रेडिट लिखना है कि डेबिट लिखना है। तो सबसे पहले आपको किसको लिखना है, डेबिट को ही लिखना है, याद रखना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है ना, चाहे वो डेबिट के पक्ष हो या क्रेडिट के पक्ष में हो, तो 1 जनवरी को जो भी हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बेइंग बिजनेस स्टार्ट, मतलब 10,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट करा। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कितने रुपये लगा कर रहा, 10,000, है ना। तो यहाँ पे देखो कैश एसी, है ना, कैश मतलब क्या होता है, रोकड़। तो रोकड़ अकाउंट, है ना, रोकड़ अकाउंट कह सकते हैं। रोकड़ अकाउंट का मतलब क्या होता है, रोकड़ अकाउंट का मतलब होता है नगदी हाथ में आना। रोकड़ मतलब क्या है, नगदी, ठीक है। जब आपके खाते में था तो नगदी नहीं था, जब तक कि आप उस पैसे को निकालोगे नहीं तब तक के नगदी पैसा नहीं रहेगा। तो कैश अकाउंट का मतलब क्या हो गया, नगदी पैसा, है ना। तो 10,000 रुपये से आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको 10,000 रुपये को डेबिट के पक्ष में लिखना होगा, ठीक है। डेबिट के साइड में लिखा गया और ये सीधा सीधा है, देख सकते हो, कैश एसी अकाउंट में सीधा सीधा है। फिर टू कैपिटल एसी कह रहा है, तो ये पैसा जो है कहाँ से आया है ये बता रहा है। कैपिटल एसी मतलब पूंजी, है ना, पूंजी अकाउंट। तो ये पूंजी अकाउंट से आ रहा है, केक बता रहा है। तो पूंजी अकाउंट से आ रहा है तो आपको क्रेडिट के पक्ष में कितना लिखना है, 10,000, ठीक है। तो हर एक डेट में दो पक्ष होंगे, एक तो डेबिट करेगा और एक तो क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताते चल रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे होते जाएगा। आगे देखो यहाँ पे नीचे में क्या करने के लिए कह रहा है, बेइंग कैश डिपॉजिट, मतलब इस बार क्या कर रहा है, 2,000 रुपया इस बार जमा कर रहा है, मतलब डिपॉजिट कर रहा है। डिपॉजिट मतलब जमा करना, ठीक है, तो जमा कर रहा है 2,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये जमा करेगा तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, डेबिट को बताना पड़ेगा ना, 2,000 जमा करें। और ये जहाँ कहा रहा है तो टू एसी अकाउंट लिखा है, टू कैश अकाउंट, है ना। तो ये कैश जो पैसे के रूप में, देखो नगद के रूप में है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, टू रोकड़ अकाउंट, है ना, टू रोकड़ अकाउंट मतलब जो आपके पैसे वाले हैं उसमें जा रहे हैं। तो 2,000 रुपये कहाँ पे गया, जो आपके पैसे वाला अकाउंट है वहाँ पे चला गया, ठीक है।
आगे देखो, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को ये क्या कर रहा है, बेइंग गुड परचेस, मतलब माल खरीद रहा है, ठीक है, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या हो गया, उधारी, आप उधार कह सकते हो, क्रेडिट मतलब उधार भी कह सकते हो, ठीक है। तो उधार ये माल खरीद रहा है, तो कितने का, 3,000 रुपये का। तो सबसे पहले आपको किस में बताना है, डेबिट में बताना है। तो परचेस एसी अकाउंट, जो माल खरीदा है ना 3,000 का, वो सबसे पहला पहले कहाँ पे जाएगा, परचेस होगा, जो 3,000 का सामान जो खरीदा है वो डेबिट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और किससे खरीदा है, तो ये खरीदा है विजय से। तो यहाँ पे देखो, क्रेडिट में लिखना है आपको विजय से, है ना, टू विजय लिखा है, मतलब विजय से खरीदा है, समझ में आ गया। अब कुल योग, कुल योग का मतलब क्या है, इन सभी को जोड़ दिया जाता है ना। तो देखो ये जो है ना, डेबिट को जोड़ेंगे तो देखो 15,000 आ गया, और यहाँ पे देखो क्रेडिट को भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, 15,000। दोनों का साइड क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे आगे ले जाना और योग करना, इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक में बिल्कुल नहीं बताया ना, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको अब मैं बताता हूँ। अगर ये पेज ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये पेज ख़त्म हो जाता है, तब पेज ख़त्म होता है तो उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे इसी तरीके से देखो, करते करते बहुत सारे हैं ना, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, और आगे बढ़ते बढ़ते मान लो ये अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक चला गया, तो भाई कई पेज लगेंगे, कई पेज इसके साथ क्या करना पड़ेगा, कई पेज चिपकाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने किया ना, तो उसके बाद यहाँ पे एक अंडरलाइन यहाँ पे खींच दिया जाएगा, ठीक है, एक लाइन खींच दिया। अब लाइन खींचने के बाद यहाँ पे क्या लिखेगा, आगे ले जाना, ठीक है, लिख दिया जाएगा, फिर आगे ले जाना। आगे ले जाना लिखने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे जो टोटल आया है ना, जो पहले पेज में जो टोटल हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये समझो कि ये पहला पेज है, तो पहला पेज में जो ये 15,000 आया है और यहाँ पे क्रेडिट भी 15,000 आया है, तो उसको क्या करेंगे, आगे ले जाने के बाद अगला जो पेज है उसमें ये पूरा टोटलिंग वाला जो लाइन है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15,000 हुआ है और यहाँ भी 15,000 हुआ है, इस तरीके से लिखा जाता है, समझ में आ गया। इसी तरीके से क्या करना है, लिखना है, फिर अगला पेज आएगा, तो फिर अगला पेज में क्या करोगे, जितना भी टोटल होगा फिर आगे ले जाना लिखना है, फिर जितना टोटल होगा उसको यहाँ पे फिर से क्या करना है, फिर यहाँ पे जैसे ये टोटल दिया ना, इसी तरीके से टोटल करके फिर लिखना है, फिर आगे से अगला डेट डाल के क्या करना है, शुरू करना है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से नकल वही में आगे ले जाना और योग करना, आपको समझ में आ गया, आगे ले जाना बस आपको लिखना है, और उसके बाद योग को लिख के क्या कर देना है, कितना अमाउंट है क्रेडिट और डेबिट का उसका बनाना है, फिर अगला पेज चिपकाना है, फिर जनवरी फरवरी जो भी है, जो 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 डेट है, फिर उसको लिखना है। तो जितने पेज आप लगाते जाओगे वैसे ही आपको हर पेज में करना है, क्लियर। आगे देखो, अगला जो टॉपिक है ये हमारा है मिश्रित प्रविष्टि, है ना, मिश्रित प्रविष्टियाँ क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ मिश्रित प्रविष्टियाँ क्या होता है। यहाँ पे जो लिखा है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, मिश्रित प्रविष्टि का मतलब होता है कि एक ही डेट पे मान लो, एक डेट कौन है, एक तारीख है ना, एक तारीख ले लेते हैं, तो एक तारीख को जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसको लिए हम अलग से दस्तावेज नहीं बनाएंगे, ठीक है, जो भी एक तारीख को जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए हम अलग से दस्तावेज नहीं बनाएंगे, उस एक तारीख के जो भी ट्रांजेक्शन है उसको वहीं पे लिखेंगे, है ना। एक तारीख को जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन जितना भी हुआ है उसको हम क्या करेंगे, अलग ना लिख कर वहीं पर लिख देंगे एक तारीख वाले में, है ना। और ये दो या दो से अधिक होगा, दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तब उसे क्या कहा जाएगा, मिश्रित प्रविष्टि कहा जाएगा। क्लियर हुआ ये मिश्रित प्रविष्टि। एक ही डेट में दो या दो से अधिक अगर सौदे होते हैं तो उनको ही क्या कहा जाता है, मिश्रित प्रविष्टि कहा जाता है, समझ में आ गया। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये लिख के बता दिया गया है ना, ये देखो डेबिट करना है कह रहा है, जब एक ही प्रकार के खाते को एक से अधिक सौदे में डेबिट करना, इसका मतलब क्या है, एक ही डेट में एक से अधिक बार ट्रांजेक्शन होना, मतलब लेन देन खरीदी उरीदी ये होता है, तब डेबिट, सिर्फ डेबिट करने की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ डेबिट करना है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल जो लेकर चले, यहाँ पे लिखा है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको चार्ट के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। कौन से तिथि है, एक तारीख की तिथि में, देखो माल इन्होंने क्या किया, नगद खरीदा है ना, फिर यहाँ पे फिर 3,000 का फिर खरीदा, फिर यहाँ पे माल मोहन से 3,000 का खरीदा है ना, तो ये सभी के सभी खरीदने से संबंधित है और सिर्फ हमें डेबिट करना है, इसमें क्रेडिट पक्ष नहीं है, ध्यान देना क्रेडिट पक्ष नहीं है। तो चलो मैं आगे दिखाता हूँ, देखो ये रहा, देखो
एक जनवरी का ही है ना, तो एक जनवरी के दिन देखो क्रय मतलब क्या होता है, खरीदना होता है ना, तो खरीद रहा है गुड्स एसी मतलब गुड यहाँ पे लिखा है इसका मतलब माल से संबंधित है, तो क्रय खाता में देखो। तो डेबिट की सिर्फ डेबिट के साइड यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्रेडिट मत समझना, सिर्फ ये डेबिट खाता है, ये बता रहा है कि 6000 रुपये जो है ना इसका माल खरीदा गया है, तो कितने कितने का माल खरीदा गया ये बता रहा है। तो रोकड़ खाता से 2000 रुपये का माल खरीदा, राम से इन्होंने खरीदा 3000 का और मोहन से खरीदा 1000 का, कुल मिला के कितना हुआ 6000। तो मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले आपको क्या बताना है, डेबिट बताना होता है ना। हालांकि ये तीनों भी डेबिट है, ये तीनों भी डेबिट है, तो इनको क्या किया है एक अलग से लाइन खींच के ना डेबिट के ये 2000, 3000, 1000 को लिख दिया गया है, समझ में आ गया। तो ये डेबिट हुआ है 6000 रुपये का। तो देखो दो या दो से अधिक सौदे हुए कि नहीं हुए ना, देख सकते हो 2000 का हुआ, 3000 का, 1000 का, तो दो या दो से अधिक अगर सौदे होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। क्लियर हुआ ये टॉपिक, मिश्रित प्रविष्टि में डेबिट करना भी आपको समझ में आ गया। अब देखो दूसरा यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे जब एक ही प्रकार के खाते को एक से अधिक सौदे में क्रेडिट करना हो तब ऐसी स्थिति में ना, तो यहाँ पे लिखा है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई खास नहीं है, जो यहाँ पे दिया हुआ है जो बातें हैं ना वो सारा मैं आपको चार्ट में बता दूंगा। पहले यहाँ पे देखो जैसे मैं तिथि दिया है ना, 500 वेतन दिया गया, फिर किराया 1000 दिया गया, चलो इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे चार्ट बनाया, ये सिर्फ क्रेडिट को दर्शाएगा, ठीक है, डेबिट को नहीं दर्शाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे डेट जो है एक ही जनवरी का हुआ है ना, तो सैलरी देखो वेतन सैलरी, क्योंकि ये क्या है क्रेडिट है, तो क्रेडिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट का जो लास्ट पक्ष होता है हमेशा नीचे में रहता है, याद है ना, पहले डेबिट आता है उसके बाद क्रेडिट को लिखा जाता है, तो क्रेडिट का जो टोटल अमाउंट वाला है उसे लास्ट में नीचे में लिखा जाता है। तो इससे पहले देखो वेतन खाता में 500 रुपये है ना, 500 रुपये, अब किराया कितना दिया 1000 रुपया दिया, तो रोकड़ खाता से वेतन व किराया भुगतान किए तो कुल कितना हुआ, कुल ये हो गया 1500 रुपये, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा 1500 होगा ना, तो ये क्या हुआ क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट खाता इस प्रकार से बनाया जाता है, दो या दो से अधिक अगर सौदे हैं तभी उसे क्या किया जाएगा, मिश्रित प्रविष्टि माना जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये मिश्रित प्रविष्टि है। इसके बाद देखो तीसरा, अब इस बार क्या होगा, दोनों होने वाला है, जब एक से अधिक व्यवहार ऐसे होते हैं जिनमें डेबिट व क्रेडिट करने वाले खाते एक ही प्रकार के हो, एक ही प्रकार के हो, डेबिट भी हो और क्रेडिट दोनों हो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट दोनों करना है, तो देखो 2000 रुपये, 3000 रुपये और 500 रुपये का माल तीन बार खरीदा कह रहा है, तो इसमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों करना है। तो जब यहाँ पे दोनों हो रहा है तो यहाँ पे खरीदी और बिक्री के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2000, 3000, 5000 ये डेबिट के पक्ष में भी रहेगा और ये क्रेडिट के ऊपर पक्ष, देखो इसके डेबिट के पक्ष में नीचे पक्ष में रहता है आपको पता है ना, और क्रेडिट के पक्ष में ये ऊपर पक्ष में रहता है, ऊपर पक्ष में है ना। तो यहाँ पे समझो ये लिखा हुआ है, तो ये कुल कितना का होगा 5500 का, और ये कुल कितने का होगा 5500, दोनों का रेट बराबर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मिश्रित प्रविष्टि बनाया जाता है। तो मिश्रित प्रविष्टि के तीनों टॉपिक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक बड़ा सा एग्जाम्पल बताया गया है, उस बड़े से एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, जो उदाहरण है, राजनांदगांव के कपड़ा व्यवसायी श्री राजेंद्र की पुस्तकों में निम्नलिखित व्यवहारों के लिए जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए कह रहा है, तो आवश्यक लेखे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा डेट से संबंधित है ना, ये वाला लाइन डेट से संबंधित है, कब कब हुआ है, क्या क्या हुआ है, और यहाँ पे व्यापार प्रारंभ किया है ना, तो व्यापार प्रारंभ किया कितने रुपए, क्या क्या खरीदा, क्या क्या लगाया, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो मिश्रित प्रविष्टि बनाते हैं, ये दिया हुआ है कब तक के दिया है, 31 तारीख तक के दिया हुआ है। तो देखो राजेंद्र की पुस्तक में जनरल प्रविष्टि, राजेंद्र की पुस्तक में जनरल प्रविष्टि कर रहे हैं, तो जो जो टॉपिक लिखा उसको लिखते जाना है। 1 अप्रैल को देखो क्या क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2000 की बात है ना, तो 2001 अप्रैल 1 तारीख, तो रोकड़ खाता, ध्यान देना रोकड़ खाता से क्या हुआ है, क्रेडिट डेबिट हुआ है, और क्रय खाता है ना, और ये फर्नीचर खरीदा गया है, तो रोकड़ खाता 50000 रुपये, ठीक है, रोकड़ खाता यहाँ पे बिजनेस लगाया गया ये नहीं बता रहा है, कितने का लगाया नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि कैश जो है 50000 रुपया लगा है ना, कैश 50000 रुपया, जिनमें से 12000 रुपये का खरीदी किया गया। अब क्या खरीदी किया यहाँ पे नहीं बताया, इसलिए क्रय खाता कहा गया है। अब फर्नीचर जो है वो 8000 का खरीदा गया, तो कुल कितना हुआ सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ेंगे 70000 रुपये, 70000 रुपये को आपको क्रेडिट के पक्ष में लिख देना है, ठीक है। ये डेबिट का पक्ष है ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन क्या है क्रेडिट का पक्ष है ना।
तो 70,000 रुपया हुआ, तो 70,000 को इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है। तो नगद माल व फर्नीचर लगाकर व्यापार इन्होंने प्रारंभ किया, तो इन सभी का कुल योग कितना होगा, इन सभी का कुल योग होगा 70,000 रुपये। इसके बाद देखो दूसरा पहले देखना है ना हमें, अरे हाँ ये तीसरा नहीं है, ये डेट है, 3 तारीख है। 3 तारीख के देखो क्रय खाता, ठीक है, क्रय खाता से 9,300 रुपये का डेबिट हुआ है ना। क्रय खाता मतलब कुछ खरीदा, क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना, और विक्रय का मतलब बेचना, तो क्रय खाता मतलब खरीदने वाला जो खाता है क्रय खाता कहते हैं। तो 9,300 रुपये का इन्होंने खरीदा है ना, तो डेबिट के पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या क्या खरीदा उसको देख लेते हैं। तो रोकड़ खाता से जो आपका कैश खाता है ना, जो पूंजी खाता है, रोकड़ खाता भी पूंजी खाता होता है, तो रोकड़ खाता से इन्होंने 5,000 रुपये है ना, 5,000 रुपये, फिर संतोष से इन्होंने 2,000 रुपये लिए। ये सब उधार है समझो एक प्रकार से। क्रय खाता मतलब क्या है, खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो उधार में खरीद रहा है। तो रोकड़ खाता से 5,000 रुपये का कुछ खरीदा, संतोष से 2,000 रुपये लिए, 2,500 रुपये लिए, और महेश से इन्होंने 1,800 रुपये लिए। देखो जब भी क्रेडिट के साइड आप देखोगे तो समझो क्रेडिट के साइड में अगर कुछ लिखा हुआ है, रेट बढ़ा हुआ है या फिर इस तरीके से दिया हो, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट के साइड से उधार लेगा तभी तो होगा ना, क्रेडिट बढ़ेगा। जब आप किसी से उधार लेते हो और उधार लेने के, जैसे बैंक से आप उधार लेते हो, तो आपके खाता में पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो सेम वैसा ही क्रेडिट में क्या होगा, जब भी उधार लिया जाता है तो खाते में वृद्धि होता ही है। तो इसी तरीके से जो 9,300 रुपया है जो डेबिट कर रहा है समझो, उसको क्या कर रहा है, उधार लिया इन्होंने है ना, क्रय के साइड, क्रय जो किया है इनको उधार लिया, 5,000 का लिया है, 2,500 का, ये 1,800 का लिया है ना। कहाँ कहाँ से लिया है ये बता भी दिया है, रोकड़ खाता से लिया है, संतोष से लिया और महेश से लिया है, ठीक है। ये 3 तारीख का डेट कंप्लीट हुआ। आगे देखो 10 तारीख के डेट पे आते हैं। तो 10 तारीख के डेट में ये अमित हो रहा है, अमित है ना, 2,700 रुपये, तो 2,700 रुपये डेबिट हुआ है, इसका मतलब क्या है, इन्होंने पैसा दिया होगा किसी को, ठीक है, दिया ही होगा। तो 2,700 रुपये क्या हो गया, डेबिट हुआ है, अमित को दिया है समझो। रोकड़ खाता से भी डेबिट हुआ है 2,475 रुपया है ना। जो कोई सामान यहाँ पे क्या किया, विक्रय किया, इस बार खरीदा नहीं है, इस बार बेचा है, नहीं बेचा क्यों लिखेंगे, रोकड़ खाता ना, विक्रय मतलब तो ये क्रेडिट में जाना चाहिए है ना। तो पहले रोकड़ खाता देख रहे हैं, तो रोकड़ खाता में क्या हुआ है, डेबिट के साइड में है, तो 2,475 रुपये का रोकड़ खाता है ना। फिर विक्रय, विक्रय मतलब बेचना, तो कोई सामान जैसे ये बेच रहा है तो ये कहाँ पर जाएगा, वो जो है 5,175 रुपये की ओर जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो योग किया जाएगा, इन दोनों का योग में इतने रुपये का हुआ, ठीक है। तो अमित को इन्होंने जो माल बेचा है, देखो यहाँ पे अमित को जो माल बेचा, डेबिट हुआ है मतलब या तो वो पैसा दे रहा है या फिर माल दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बेच रहा है ना। तो देखो ये रहा, और रोकड़ खाता से भी 2,475 रुपये का विक्रय हुआ है मतलब बेचा है, तो कुल कितना हुआ देख सकते हो, 5,175 रुपया। फिर इसी तरीके से देखो संतोष का भी है ना, संतोष 500 रुपये का देखो माल वापस कर रहे हैं, 500 रुपये का माल वापस कर रहे हैं, और महेश भी 200 रुपये का माल वापस कर रहे हैं। तो विक्रय जो माल हुआ था वो कुल कितना था, 700 रुपये का था है ना, तो 700 रुपये का इन्होंने वापस किया, तो क्रेडिट के साइड में 700 रुपये यहाँ पे जुड़ जाएगा, समझ में आ गया ये। इसके बाद देखो फिर यहाँ पे 2,000 रुपये संतोष के साइड से, महेश के साइड से, तो महेश और संतोष के साइड से 2,000 रुपये क्या हुआ, डेबिट हुआ है मतलब ये 2,000 रुपये की क्या किया है, नगद दिया, यहाँ पे देखो नगद दिया है कह रहा है ना, तो नगद इन्होंने दिया होगा किसी को, ठीक है, नगद दिया होगा। और 1,600 रुपये भी महेश को इन्होंने नगद दिया है, तो भाई नगद दिया है तो 3,600 रुपये टोटल इन्होंने नगद दिया है, जो क्रेडिट के साइड से क्या हुआ है, इसे कम भी कह सकते हो, बढ़े भी कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे 3,600 डेबिट में भी आपको क्या करना है, लिखना है रोकड़ खाता से इस तरीके से, ठीक। आगे देखो इसके बाद यहाँ पे 25 तारीख का आते हैं, तो 25 तारीख को रोकड़ खाता से इन्होंने 2,900 रुपये नगद प्राप्त किए है ना, रोकड़ खाता से इनको 2,900 रुपये प्राप्त हुआ है। जो विक्रय खाता से 400 रुपये है, और अमित से इनको जो प्राप्त हुआ है वो है 2,500 रुपये है, ठीक है, ये बताना चाह रहा है। फिर वेतन खाता है ना, वेतन व किराया के लिए नगद कह रहा है, तो वेतन खाता से 700 रुपये और किराया इन्होंने 400 रुपये दिया हुआ है, तो रोकड़ खाता से कुल कितना जाएगा, 1,100 रुपया जाएगा, ठीक है, जो क्रेडिट के साइड से जा रहा है।
अब इन सभी का जब कुल योग किया जाएगा, जितने भी यहाँ पे देखो जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, ये होते होते ये सब ट्रांजेक्शन हुआ है, इनका कुल योग 92,775 होता है और दोनों का योग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 4.9 पे। 4.9 जो है माल खाते का विभाजन किया गया है, 4.9 में माल खातों का विभाजन। तो चलो इसको पढ़ के देख लेते हैं। जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उस वस्तु को माल कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से माल खाते का विभाजन किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा इसके अभाव में कुल क्रय या विक्रय की जानकारी सरलता से प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। अतः माल खाते को निम्न खाते में विभाजित कर दिया जाता है। तो पहला है क्रय खाता। क्या होता है क्रय खाता? क्रय खाता जो है हमेशा डेबिट के साइड में होता है ना। जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो डेबिट के साइड में लिखा जाता है और विक्रय हमेशा क्रेडिट के साइड में लिखा है। चलो इसको पढ़ के देख लेते हैं। खरीदे गए माल का लेखा इस खाते में किया जाता है, चाहे वह माल नगद क्रय किया गया हो या उधार क्रय किया गया हो। क्रय खाते को हमेशा डेबिट किया जाता है, डेबिट के साइड में लिखा जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना, क्रय मतलब खरीदना, खरीदने को हम हमेशा क्या करेंगे, डेबिट के साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से विक्रय, विक्रय को हमेशा कहाँ पर लिखना है, विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो बेचने से संबंधित जितने भी काम होंगे उनको हम हमेशा क्रेडिट के साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। क्रय वापसी और विक्रय वापसी को देख लेते हैं, दोनों को साथ साथ है ना। पहले क्रय वापसी देखते हैं। तो खरीदे गए माल की वापसी का लेखा क्रय वापसी खाते में किया जाता है। जब किसी माल को वापस किया जाता है, तो अब यहाँ पे देखो माल वापसी का जिक्र हुआ है, इसका मतलब क्या है, माल मुझे देखो जैसे ही मैंने क्रय किया ना, क्रय मतलब खरीदा, तो उस खरीदे हुए माल में कुछ डिफेक्ट आइटम हो गया, तो मैं उसको वापस तो करूँगा ना, तो फिर से क्या होगा, मेरा जो पैसा कमी हुआ था वो क्या होगा, फिर बढ़ने लगेगा। तो वो किस साइड में जाएगा, डेबिट की साइड में जाएगा कि क्रेडिट साइड में? भाई मुझे जब मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, तो मुझे फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट बढ़ेगा ना। तो इसलिए क्रय वापसी जो है ना, ये हमेशा कहाँ पे होगा, क्रेडिट के साइड में होगा। अब विक्रय वापसी, जैसे मैंने किसी को सामान बेचा है, समझो अब वो सामान मुझे वापस कर रहा है, तो मुझे क्या हो गया, जैसे मैंने बेचा और वो सामान खराब निकल गया किसी कारणवश, वो मुझे वापस कर रहा है, तो मुझे शुरू में मुनाफा हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया, जैसे वापस करा तो मुनाफा मेरा जीरो हो गया। तो वापस मुझे क्या होगा, वो सामान मिल गया। तो इस पक्ष को मैं कहाँ पे लिखूंगा, डेबिट पे कि क्रेडिट पे, डेबिट में है ना, तो डेबिट में ऐसे को लिखा जाता है। समझ में आ गया? आगे देखो, छठवां स्कंद या रहतिया खाता। वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसको उसका लेखा इस खाते में किया जाता है। अगले वर्ष के प्रारंभ में ऐसे माल को प्रारंभिक स्कंद या प्रारंभिक रहित कहते हैं। इसके बाद छठवां देखो, प्रेषण या चालान पर भेजा हुआ माल। व्यापारी द्वारा अपने प्रतिनिधि को विक्रय करने हेतु भेजे गए माल को लेखा इस खाते में किया जाता है। अतः क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते समय माल का लेखा उपयुक्त प्रकार से वर्णित रीति द्वारा किया जाना चाहिए। उदाहरण, जैसे यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, रोकड़ माल फर्नीचर क्या क्या इन्होंने खरीदा है। फिर दूसरे में देखो, माल खरीदना नगद राम श्याम है ना। तीसरा में व्यय चुकाना दिया हुआ है। तो चलो इसके लिए जो चार्ट बना है उनको देख लेते हैं, बहुत आसान होता है चार्ट। जैसे यहाँ पे दिनांक दिया है, पहले सन दिया जाता है, उसके बाद मंथ, उसके बाद दिनांक है ना। तो इसमें सन नहीं दिया है, नहीं मंथ दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 करके इस तरीके से दिनांक ले लेंगे अपने हिसाब से। फिर विवरण है ना, विवरण में देखो, रोकड़ खाता कितना है, 30,000 रुपये। पहले ये जान लेते हैं कि ये जो व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है, तो इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए कितना कितना पैसा लगा है, कहाँ कहाँ पे लगा है, इसको ये बता रहा है ना। तो 30,000 रुपये रोकड़ खाता से लिया गया है, मतलब रोकड़ खाता मतलब नगद के रूप में उन्हें कहीं भी कहीं लगाया होगा। रोकड़ खाता का मतलब यही है, लगाया होगा, ठीक है, कोई चीज़ खरीदा होगा, समझो। रोकड़ खाता क्रय तो नहीं बोला है, लेकिन समझ सकते हो कि जब तक ये खरीदेगा नहीं तब तक कि ये डेबिट के साइड में तो आएगा नहीं है ना। तो रोकड़ खाता में कुछ ना कुछ इन्होंने 30,000 रुपये का किया है, इसलिए रोकड़ खाता बस लिख दिया गया है। समझ में आ गया? अगर इस तरीके से लिखा रहता है रोकड़ खाता, तो आपको समझ जाना है कि इन्होंने 30,000 रुपये का कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। और कुछ ना कुछ किए से मतलब है खरीदना, तो 30,000 रुपये का कुछ ना कुछ किया है, जो क्रय के रूप में तो बताया नहीं है, लेकिन आपको उसे दर्शाना कैसे, रोकड़ खाता कह के दर्शाना है। जैसे कि स्टॉक खाता, देखो स्टॉक खाता कह रहा है, तो 20,000 रुपये का इन्होंने स्टॉक खरीदा है, तभी तो स्टॉक खाता में आया ना, डेबिट की ओर आया है। इनको लॉस हुआ है 20,000 रुपये का, मतलब अपने जेब से उन्होंने 20,000 रुपये लगा, लॉस हुआ नहीं है, लेकिन 20,000 रुपये लगा दिया है,
इसका मतलब स्टॉक खाता में गया। फिर फर्नीचर इन्होंने 10,000 रुपये का खरीदा, तो ये भी क्या है, खरीदने से संबंधित है, है ना, क्रैक कर रहा है, मतलब ये भी खरीदने जैसा ही है। तो फर्नीचर का यहाँ पे दिया है नाम, तो फर्नीचर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दर्शा देंगे। ठीक, अब पूंजी खाता, क्योंकि इनको खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है, पैसा कहाँ से लाएगा, क्रेडिट खाता से लाएगा, और क्रेडिट खाता चाहे वो उधार भी हो सकता है या फिर उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है उनको लगाकर ये वैसा स्टार्ट किया होगा। तो पूंजी खाता में आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक दिनांक का कंप्लीट हुआ, अगले दिनांक का देखते हैं। दूसरा दिनांक देखो, क्रय खाता 9,300 रुपये, मतलब क्रय खाता कह रहा है, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है क्रय खाता, मतलब 9,000 रुपये का इन्होंने कुछ ना कुछ खरीदा होगा, इसलिए क्रय खाता में, है ना। अब रोकड़ खाता से राम से श्याम से, रोकड़ खाता से राम से श्याम से, तो क्रय करने के बाद ये जा रहा है 2,000 रुपये, दो हज़ार रुपये रोकड़ खाता से, राम से 3,000 रुपये और श्याम से 4,000 रुपये, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये क्रेडिट के पक्ष में है, तो क्रेडिट के पक्ष में है तो पहले इन्होंने क्रय किया है ना, क्रय किया है मतलब क्या है, ये 9,000 रुपये इन्होंने उधार मांगा है, तो कहाँ कहाँ से मांगा है ये बता रहा है। हो सकता है ये नगद भी हो सकता है, खाता से भी निकाला जा सकता है ना ये पैसा, और हो सकता है इन लोगों से मांगा भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये बताया है कि 9,000 रुपये इन्होंने लगाया, ठीक है, क्रय, कोई भी सामान कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए 9,000 रुपये लगाए, इसलिए क्रय खाता की ओर ले गया है। तो ये जो पैसा है कहाँ कहाँ से आया ये बता रहा है। तो एक तो आया है 2,000 रुपये रोकड़ से आया है, रोकड़ खाता से, हो सकता है मेरे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये था, मैं वहाँ से निकाल लिया, है ना। फिर 3,000 रुपये राम से इन्होंने उधारी मांगा और श्याम से भी इन्होंने 4,000 रुपये उधार मांगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है बताना है, आपको ये समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखो तीसरा मतलब 3 तारीख को कह सकते हो, यहाँ पे मजदूरी खाता, वेतन खाता और किराया दिया हुआ है। मजदूरी खाता 100 रुपये, वेतन खाता 200 रुपये और किराया 300 रुपये। तो ये जो पैसा है कहाँ से लाया है, ये जो है ये क्रेडिट खाता से या उधार मांग के लाया होगा, तभी तो ये जो कुल योग है 600 रुपये है, और ये मजदूरी खाता में 100 रुपये है, मतलब मजदूर को दे रहा होगा 100 रुपये, उसको हम देना नहीं कहेंगे, मांगना भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से ये खरीदने जैसा होता है ना। वेतन खाता 200 रुपये, जो लाया कहाँ से, क्रेडिट से ही लाया है। किराया खाते के लिए 300 रुपये, ये लाया कहाँ से है, क्रेडिट खाता से लाया गया है ना, या फिर कहीं से उधार मांग के लाया गया, इस प्रकार से। अब क्या करेगा, अब अंत में हम लोग करने वाले हैं इन सभी को योग, फिर इन सभी का योग, तो दोनों का योग देखो समान रहता है, हमेशा समान रहता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही।